तो गाइस यार आज यार सुबह सुबह मैं घुस चुका हूँ अपने पड़ोसी के घर पे ये बर्गर चुराने। कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ये बर्गर, जल्दी से इनको चुरा लेते हैं। अरे फ्रैंकलिन चोर तो फिर से आ गया। अरे भागो, मेरे पड़ोसी ने देख लिया, जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो, उसको पता नहीं चलना चाहिए मैं हूँ, जल्दी भागो वापस से अपने घर पर चलते। बच गया यार आज तो, अगर वो पड़ोसी मुझे पकड़ लेता तो पक्का मुझे पुलिस में डाल देता, पर मैं यहाँ पर बच चुका हूँ। पर मुझे यार बहुत ज्यादा भूख लग रही है, लगता है किसी और के घर जाके खाना चोरी करना पड़ेगा। कहाँ जाऊँ आज खाना खाने, मुझे समझ नहीं यार। अरे भागो, पुलिस आ रही है, भागो भागो, हमें ये नहीं पकड़ पाएंगे, भागो। अबे ये लोग कौन है, ये तो मुझे जेल के प्रिजनर्स लग रहे हैं, पर ये भाग किससे रहे? अरे पुलिस पुलिस, जल्दी भागो जल्दी भागो। मुझे लगता है ये सब के सब जेल से भाग चुके हैं और ये पुलिस से डर के भाग रहे हैं। बच्चू कहाँ जाओगे, पीछे पुलिस आएगी और तुम्हें पकड़ लेगी। अरे वो देखो वो पेड़ में अटक गया, तू तो बिल्कुल नहीं बचने वाला। इसको मैं पकड़ के रखता हूँ ताकि वो पुलिस वाले आए और मैं उनको दे सकूँ, चल मेरे साथ। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों पकड़ा है, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ, तेरे सारे के सारे साथी तो भाग गए पर मैंने तुझे पकड़ लिया। अब लॉस सैंटोस पुलिस की पूरी फोर्स आएगी और वो तुझे पकड़ के लेके जाएगी और साथ में मुझे इनाम भी मिलेगा। हिलना मत वरना सीधा खोपड़ी खोल दूंगा। अरे मुझे छोड़ दो। अब बस वेट करते हैं लॉस सैंटोस पुलिस फोर्स आने का, फिर मुझे इनाम मिलेगा। रुक जाओ साले चोरों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये क्या, ये एक चोर तो यहाँ पर है। अरे भाई साहब आपने इस चोर को पकड़ लिया, बहुत शुक्रिया। अरे सर कोई बात नहीं, मैंने इस चोर को पकड़ लिया है। अरे भाई साहब बाकी के चोर कहाँ पर है? अरे बाकी के चोर तो सारे के सारे भाग गए, आपकी फोर्स कहाँ पर है? अरे हमारी कोई फोर्स ही नहीं है, लॉस सैंटोस में सिर्फ 3 एक्टिव पुलिस वाले हैं। ये प्रिजनर्स पूरे शहर में घूम रहे हैं, हम इनको पकड़ रहे हैं। चलो कम से कम एक तो पकड़ा गया। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, बाय बाय। अरे ये क्या, ये भी भाग गया। अरे ये क्या हो गया, ये कैसे भाग गया? अरे भाई साहब की साइकिल। अरे मेरे पास तो साइकिल है। अरे वैसे आपकी पुलिस की कार और सब कहाँ पे? अरे मैंने पुलिस फोर्स आज ही ज्वाइन करी है, इसलिए मुझे सिर्फ साइकिल मिली है। वैसे लॉस सैंटोस पुलिस की हालत बहुत खराब है, अगर आप पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाके टीवी देखिए। बाय बाय। रुक जा चोर। अबे ये क्या चल रहा है लॉस सैंटोस में, पूरी की पूरी लॉस सैंटोस पुलिस गायब हो चुकी है, सिर्फ 3 पुलिस वाले पूरे लॉस सैंटोस में घूम रहे हैं और वो भी साइकिल पे। अगर ऐसा चलता रहा सारे के सारे चोर जेल से बाहर निकलेंगे और उनको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। उस पुलिस वाले ने बोला था अगर मुझे पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है तो मुझे टीवी न्यूज देखनी चाहिए, तो देखते हैं क्या चल रहा है लॉस सैंटोस टीवी पर। ब्रेकिंग न्यूज, सारे के सारे लॉस सैंटोस के जेल हो चुके हैं खाली, सारे के सारे प्रिजनर्स आ चुके हैं रोडों पर, पूरे लॉस सैंटोस वाले परेशान है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि लॉस सैंटोस में पुलिस है ही नहीं। लॉस सैंटोस के पुलिस इंस्पेक्टर का कहना है उनको चाहिए पुलिस फोर्स, पूरी पुलिस फोर्स में सिर्फ 3 जने और इसमें से एक रोता रहता है। तो अगर आप पुलिस वाला बनना चाहते हैं तो आइए लॉस सैंटोस के पुलिस स्टेशन पर। ओ काइजर ये क्या, सारे के सारे प्रिजनर्स बाहर आ चुके हैं। अभी न्यूज में मैंने देखा कि सारे के सारे जेल में से प्रिजनर्स बाहर आ चुके हैं और लॉस सैंटोस में इतने पुलिस वाले भी नहीं है कि उनको पकड़ पाए, इसलिए मैंने सोचा एक पुलिस वाला बनने की। मैं एक पुलिस वाला बनने वाला हूँ क्योंकि उन पुलिस वाले ने बोला कि उनको बहुत सारे जनों की जरूरत है, तो मैं एक पुलिस वाला बनने वाला हूँ और मैंने ये सोच लिया है मैं एक पुलिस वाला बन के रहूंगा और इस पूरे लॉस सैंटोस के क्राइम को रोकूंगा। चलो फटाफट से पुलिस स्टेशन चलते हैं और पुलिस वाला बनते हैं। तो काइजर अभी आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ लॉस सैंटोस के पुलिस स्टेशन पर और यहाँ पर तो एक भी पुलिस की गाड़ी नहीं है, सिर्फ साइकिलें खड़ी है। अरे ये चोरों को क्या साइकिलों में पकड़ेंगे? हेलो सर मैं आ चुका हूँ, मुझे एक पुलिस ऑफिसर बनना है। आइए आइए आप एक पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। तो बताइए मुझे कौन सा एग्जाम पास करना पड़ेगा, मुझे कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा? अरे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं देना, अंदर कपड़े पड़े जल्दी जाके पहन लो। क्या कपड़े पड़े? हाँ लड़के हमारे पास बहुत ही कम पुलिस वाले हैं, इसलिए हम कोई एग्जाम नहीं करा रहे, सीधा उनको पुलिस वाला बना रहे। क्या कोई एग्जाम नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट पुलिस वाला? ये तो बहुत ही खतरनाक है। चलो फटाफट से पुलिस के कपड़े पहन के आते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ, मैंने पुलिस के कपड़े पहन लिए
है और अब मैं बन चुका हूँ एक पुलिस वाला। फ्रैंकलिन अब तुम एक पुलिस ऑफिसर बन चुके हो तो तुम्हें पूरे लॉस सैंटोस की रक्षा करनी पड़ेगी और लॉस सैंटोस में खतरनाक खतरनाक क्राइम होने से रोकना पड़ेगा। अरे सर पर मुझे कोई गाड़ी चाहिए, साइकिलों में कैसे पकड़ूंगा? फ्रैंकलिन 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 उसका भी हमारे पास इलाज है। तुम जितने ज्यादा क्राइम रोकोगे लॉस सैंटोस में उतनी ज्यादा तुम्हारी गाड़ियाँ अपग्रेड होगी। सबसे पहले तुम्हें मिलेगी एक साइकिल, साइकिल से तुम्हें क्राइम रोकना पड़ेगा। अगर तुम क्राइम रोकने में सक्सेसफुल रहे तो तुम्हें मिलने वाली एक पुलिस की खतरनाक बाइक, फिर एक और क्राइम रोकोगे तो उससे भी खतरनाक बाइक, फिर एक और क्राइम रोकोगे तो उससे भी खतरनाक बाइक। ऐसे करते करते तुम बन सकते हो लॉस सैंटोस के सबसे बड़े पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस की सबसे खतरनाक गाड़ी होगी तुम्हारे पास। ओके सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ एक खतरनाक सा पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए। उसके लिए मुझे बहुत सारे क्राइम रोकने, तो फटाफट अपनी साइकिल पर चलते हैं और अपना आज का सबसे पहला क्राइम होने से रोकते हैं। जैसे जैसे मैं क्राइम रोकता जाऊंगा वैसे वैसे मेरी गाड़ियां अपग्रेड होती जाएगी और मेरा प्रमोशन होता जाएगा एक अच्छे पुलिस ऑफिसर में। चलो फटाफट से चलते हैं और क्राइम रोकते हैं। लॉस सैंटोस में क्राइम कहाँ हो रखा है? क्राइम क्राइम कहाँ पर हो? क्या यहाँ पर कोई क्राइम हो रहा है? क्राइम? अबे बुढ़ाऊ, जल्दी जल्दी अपन को पैसा दे वरना अपन तेरी खोपड़ी खोल देगा। मुझे बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। तो कैसर, मुझे लगता है वहाँ पर कुछ क्राइम चल रहा है। ये प्रिजनर्स उन बूढ़े अंकल को छेड़ रहे। रुक जाओ प्रिजनर्स, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे बिड़ू, ये तो एक काला पुलिस वाला है। अरे बेटा, तुम तो काले हो। अरे अंकल, काले हो तो क्या हो गया? पुलिस वाला तो उम्र में, एक तो आपको बचा रहे हो, मुझे काला बोल रहे हो? मैं नहीं बचा रहा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे अरे बेटा, मुझे बचा लो। हाँ, अब आए ना लाइन पर। ए, अंकल को छेड़ रहे हो, निकलो यहाँ से। ए बिड़ू काले लड़के, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी टोपी गिराता है। तेरी तो ऐसी की तैसी, मेरी टोपी गिराई। ये ले, इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। साले टकले मुझे काला बोल रहा है और मेरी पुलिस की टोपी भी गिरा दी। ये ले, निकल यहाँ से, निकल निकल। अरे बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अंकल कोई बात नहीं, अब आप अपने कुत्ते को अपने घर ले जाओ और मैं इनको लेके जाता हूँ जेल में। तो कैसर, अभी आप देख सकते हो इन दोनों प्रिजनर को हमने उठा लिया यहाँ पर, अपनी साइकिल पर बांध दिया है और इनको लेके जाने वाले सीधा जेल। तो कैसर, अभी आप देख सकते हो इन दोनों को मैंने जेल में डाल दिया है और लॉकर भी हमारा बंद हो चुका है। तो दो प्रिजनर हमने पकड़ लिए, पर अभी भी लॉस सैंटोस उसमें बहुत सारे प्रिजनर्स घूम रहे और भी बहुत सारे क्राइम हो रहे। पर मेरे सर ने मुझे बुलाया, चलो उनसे पूछते हैं क्या हो गया। बोलिए सर, क्या हो गया? फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन, मुझे पता चला तुमने अपना सबसे पहला क्राइम रोक दिया है। तो सबसे पहला क्राइम रोकने पर तुम्हें मिलती है खतरनाक सी पुलिस की बाइक। क्या सही में? अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसर, अभी आप देख सकते हो मुझे ये खतरनाक सी पुलिस वाली बाइक मिल चुकी है। ये कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। पहले मैं साइकिल पर जा रहा था, बहुत ही ज्यादा धीरे चल रही थी, पर अब मुझे बाइक मिल चुकी है और मैं जल्दी जल्दी लॉस सैंटोस में क्राइम रोक पाऊंगा और एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बन सकूंगा। ये तो बहुत ही खतरनाक है, पर अगर मैं और भी क्राइम रोकूं तो और भी ज्यादा अच्छी गाड़ी मुझे मिल सकती है। इसलिए मैं रुकना नहीं है और भी बहुत सारे क्राइम रोक ले ताकि मुझे सबसे खतरनाक पुलिस की व्हीकल मिल सके। तो कैसर, अभी हम पुलिस वाली बाइक पर निकल चुके अपना अगला क्राइम ढूंढने के लिए और मुझे यहाँ पर न्यूज आ रही है क्योंकि जो अपनी ये बाइक है उस पे रेडियो लगा हुआ है तो उस पे मुझे पता चलता है कि कहाँ पर क्राइम हो रहा है और यही कहीं पर मुझे क्राइम तो पता चल रहा है। तो कैसर, मुझे अभी पता चला है कि इस छत के ऊपर क्राइम चल रहा है। फटाफट से सीढ़ियां चढ़ते हैं और उस क्राइम को रोकते हैं, देखते हैं कौन इस बिल्डिंग पर कब्जा करके बैठा है। चलो 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 फटाफट से चलते हैं। और ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। अबे सब तो गोलियां वोलियां मार रहे। रुक जाओ, मुझे अपनी गन निकालनी पड़ेगी। या भ्रूप, एक को मैंने मार दिया और ये तू ही ले। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोगों को मारते जो कि इस पूरे के पूरे बिल्डिंग पर कब्जा करके बैठे। इसको हमने मार दिया, इसको भी मार दिया डायरेक्ट पट से हेडशॉट। और कोई बचा है क्या? तो कैसर, अभी आप देख सकते हो इस बिल्डिंग को हमने कब्जा होने से बचा लिया है। फ्रैंकलिन पुलिस वाले ने इसको बचा लिया है। अरे ऑफिसर,
मेरी बात सुनो, प्रेसिडेंट के बेटे की कार चोरी हो चुकी है, जल्दी जाके उसकी कार को बचाओ। हाँ तुम टेंशन मत लो, अभी जाता हूँ। तो कहा सर, अभी अभी मुझे पता चला कि प्रेसिडेंट के बेटे की कार चोरी हो चुकी है, तो मुझे उस कार को वापस लाना पड़ेगा। अभी अभी मुझे एक ऑफिसर ने बताया, जल्दी जल्दी उसकी कार वापस से लाते हैं। अगर प्रेसिडेंट सर का मैंने काम कर दिया तो मेरा प्रमोशन तो पक्का, एक ही बार ही मुझे लगता है मैं इंस्पेक्टर बन सकता हूँ। चलो फटाफट से चलते हैं और प्रेसिडेंट के बेटे की कार लाते हैं। तो गाइस उस कार को ट्रैक करते करते अभी मैं इस ब्रिज पर आ चुका हूँ। और एक सेकेंड, ये लोग सामने कौन है? यहाँ पे ही लड़ाई चल रही है, पुलिस का हेलीकॉप्टर भी है, मुझे जल्दी से उतरना पड़ेगा। तो गाइस अभी मुझे पता चला जो सारे गुंडों ने गाड़ी चुराई है वो ब्रिज के नीचे, इसलिए मैं भी आ चुका हूँ ब्रिज के नीचे। एकदम स्टाइल में एंट्री कर लिए ये लोग गुंडो। और गाइस लगता है वो और भी पुलिस वाले आ चुके हैं। पुलिस वालों तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ। ये ले सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जल्दी बताओ प्रेसिडेंट के बेटे की गाड़ी कहाँ पर है, इसको भी फटाफट से मारते हैं और इस टकले को भी मारते हैं। तो गाइस अब इन सबको तो मैंने मार दिया, फटाफट से प्रेसिडेंट के बेटे की गाड़ी ढूंढते हैं और मुझे लगता है यही वाली कार है। तो गाइस अभी आप इस गाड़ी की नंबर प्लेट दे सकते हो, पी बेटा, मतलब प्रेसिडेंट का बेटा, ये उसी की गाड़ी होगी। चलो फटाफट से इसको लेके चलते हैं, प्रेसिडेंट सर के बेटे को देते हैं ताकि हमारा प्रमोशन हो सके। चलो फटाफट से चलते हैं। तो गाइस अभी अभी मुझे ऑफिसर का कॉल आया था कि प्रेसिडेंट का बेटा वहीं पर आ चुका है और हम भी यहाँ पर आ चुके हैं। लगता है यही प्रेसिडेंट का बेटा है। सर मैं आपकी गाड़ी ले आया। बहुत बढ़िया ऑफिसर, तुमने मेरी गाड़ी बचा ली। वैसे तो मैंने पापा को बोल के अपने लिए 10 सुपर कार्स और मंगा ली थी, पर तुमने यही वापस ला के दे दी। तुमने मेरे लिए गोलियां खाई, इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफिसर से बात करके तुम्हारा प्रमोशन करवा दिया है। क्या मेरा प्रमोशन? हाँ, तुम बनते हो सीनियर ऑफिसर इस पुलिस स्टेशन के और तुम्हें मिलती अपनी नई नई सुपर पुलिस बाइक। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस सर अभी आप देख सकते हो मेरा प्रमोशन हो चुका है और मैं बन चुका हूँ सीनियर ऑफिसर इस पुलिस स्टेशन का। कोई सोच सकता है कि मैंने आज ही पुलिस स्टेशन ज्वाइन किया था, आज ही मैं पुलिस ऑफिसर बना था और अभी मैं सीनियर पुलिस ऑफिसर भी बन गया हूँ। आप देख सकते हो हमें मिल चुकी है खतरनाक सी बाइक, कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। पर गाइस अभी तो मैं सिर्फ सीनियर ऑफिसर बना हूँ, मुझे इस पूरे लॉस सैंटोस का सबसे खतरनाक पुलिस ऑफिसर बनना है और वो बनने के लिए हमें पहले इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से चलते एक और बड़ा सा क्राइम रोकते हैं ताकि हम इंस्पेक्टर बन सके और उसके बाद हम बनेंगे पूरे लॉस सैंटोस के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर। ऑफिसर मेरी बात सुनो, अब बारी आ चुकी है तुम्हारा इंस्पेक्टर बनने की। क्या मैं इंस्पेक्टर? बहुत बहुत शुक्रिया ऑफिसर। रुक जाओ इतनी जल्दी नहीं, पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? जो इंस्पेक्टर अभी हमारे बने हुए हैं उनकी बीवी बैंक गई थी और उसी टाइम लुटेरों ने जाकर बैंक पर अटैक कर दिया। बैंक में वो रॉबरी कर रहे हैं, तुम्हें वो बैंक रॉबरी भी रोकनी पड़ेगी और इंस्पेक्टर की बीवी को भी बचाना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? सर आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो जाओ ऑफिसर और उन्हें बचा के लेके आओ। अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम इंस्पेक्टर बन सकते हो। ओके सर, आप टेंशन मत लो, बैंक रॉबरी को भी मैं रोक लूंगा और इंस्पेक्टर सर की बीवी को भी मैं बचा लूंगा। चलो फटाफट से चलते हैं लॉस सैंटोस के बैंक पर और ये बड़ा सा क्राइम होने से रोकते हैं। तो गाइस अभी मैं लॉस सैंटोस के बैंक के यहाँ पर आ चुका हूँ और मुझे बिल्कुल ढंग से प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उन चोरों ने इंस्पेक्टर की बीवी को मार दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और इंस्पेक्टर मुझे मार देगा। तो इस बैंक में हम पीछे वाले गेट से घुसने वाले। चलो फटाफट से चलते, मुझे पता था पीछे वाले गेट पर कोई भी नहीं देख रहा होगा। यहाँ से घुसेंगे, इस गेट को मैं खोलूंगा और सीधा गोलियां मारना शुरू करूंगा। क्या आप तैयार हो? 3, 2, 1, ये लो। इसको मार देता, यहाँ पर तो नॉर्मल लोग भी हैं। ये लो फटाफट से यहाँ पर घुसते हैं और इन सबको मारते हैं। ये लो टकले, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसको भी फटाफट से मारते हैं, यहाँ पर एक और टकला है और इस टकले को भी फटाफट से मारते हैं। ये लो, तो यहाँ पर तो मैंने सभी को मार दिया है। अरे तुम में से इंस्पेक्टर की बीवी कौन है? अरे इंस्पेक्टर की बीवी को तो वो नीचे लॉकर रूम में लेके चले गए। क्या
लॉकर रूम में। लगता है मुझे नीचे जाना पड़ेगा, और इन चोरों को भी पता है कि वो इंस्पेक्टर की बीवी है, इसलिए उसको लेके गई। ये लो, तुमको नहीं छोड़ूंगा, ये लो टकले, ये लो। इन सभी को फटाफट से मार दे और इंस्पेक्टर की बीवी को बचा दे। ये लो, इन सबको मुझे बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। तो अभी गेट हमने यहाँ पर खोल दिया, फटाफट से इसको मारते हैं और इसको भी मारते हैं। सबके सब हाथ ऊपर कर लो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैम आप टेंशन मत लो, मैं आपको बचाने आ चुका हूँ। ये लो, इन दोनों को मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया। मैम आइए, मैं आपको बचाने आ चुका हूँ, और मैंने इस पूरी की पूरी रॉबरी को भी रोक दिया है, और इंस्पेक्टर की बीवी को भी बचा लिया। शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। अरे मैम कोई बात नहीं, आइए आइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने सारे चोरों को मार दिया है, कोई भी इनके में बचा नहीं है। आप सब जा सकते हैं, आप सब फ्री है, मैंने सारे चोरों को मार दिया है। बहुत बढ़िया ऑफिसर, तुमने मेरी बीवी को बचा लिया। थैंक यू ऑफिसर। अरे कोई बात नहीं सर, ये तो मेरा काम था। बताइए ऑफिसर, तुम बन चुके हो लॉस सैंटोस के नए इंस्पेक्टर, और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट भी है। जाओ उस कंटेनर में देखो। थैंक यू सर, आखिरकार मैं इंस्पेक्टर बन गया। चलो देखते हैं फटाफट से इस कंटेनर में क्या है गिफ्ट। और ये क्या, ये तो एक खतरनाक सी हायाबुसा है। तो गाइस सर, अभी आप देख सकते हो मुझे मिल चुकी है हायाबुसा, वो भी एक पुलिस हायाबुसा, और ये तो सही में बहुत ही ज्यादा फास्ट और खतरनाक है। तो गाइस सर, अभी आप देख सकते हो मैं बन चुका हूँ एक पुलिस इंस्पेक्टर, और मुझे मिल चुकी है सुपर बाइक पुलिस हायाबुसा, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट और खतरनाक है। तो हमारा इंस्पेक्टर का गोल तो कंप्लीट हो गया। अब बारी है दुनिया का सबसे खतरनाक पुलिस वाला बनने की, और दुनिया की सबसे खतरनाक पुलिस व्हीकल भी लेने की। चलो फटाफट से चलते हैं और बनते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक पुलिस वाला। हेलो ऑफिसर, तुम्हारा स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में। ये चैलेंज होने वाला है दुनिया के सबसे खतरनाक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए। मैं हूँ अभी दुनिया का सबसे खतरनाक पुलिस ऑफिसर, और वो तुम बन सकते हो, और तुम्हें दुनिया की सबसे खतरनाक पुलिस व्हीकल भी मिल सकती है। हाँ सर, मैं दुनिया का सबसे खतरनाक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे खतरनाक पुलिस ऑफिसर बनना है तो तुम्हें इस चैलेंज को कंप्लीट करना होगा। सर मैं तैयार, तो अपनी बाइक को लेके इधर इस हेलीकॉप्टर से खुदा के जाना है, और इन सारे ऑब्स्टेकल को क्रॉस करते करते अपनी बाइक को खुदा के सारे फैन से बचते बचाते जाना है। अपनी बाइक को फुल स्पीड में खुदा के इस फैन से बच के इन सारे रिंग्स के बीच में से निकल के फिनिशिंग लाइन पर पहुंचना पड़ेगा, और फिर हम तुम्हें इस क्रिसमस ट्री के ऊपर खड़ा करेंगे और तुम्हें बनाएंगे दुनिया का सबसे खतरनाक पुलिस ऑफिसर। अरे सर, वैसे वो दुनिया की सबसे खतरनाक पुलिस व्हीकल कौन सी है? बच्चे वो एक सरप्राइज है, चलो शुरू करते हैं। तो गाइस सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस चैलेंज को करने के लिए। फटाफट से बाइक पर अभी हम बैठ चुके, और इस चैलेंज को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से कुदाएंगे, और कुदा के यहाँ पर अपन आ चुके, सारे के सारे टारगेट्स को तोड़ते फोड़ते जाएंगे। और ये क्या, वो एकदम से गायब कैसे हो गया? पर हमने इस पोस्टर को भी फाड़ दिया है। फटा पोस्टर निकला पुलिस वाला। चलो फटाफट से चलते हैं, आराम से आराम से आराम से, और इधर अपनी बाइक को खुदाएंगे। और गाइस सर, अभी हमने आधा कोर्स तो पार कर लिया है, और ये आधा कोर्स और बचा है। ये बीच में ये तेल के पीपे, मैं बोलने वाला था तेल के पीपे क्यों रखे, और ये अभी ब्लास्ट हो चुके। चलो फटाफट से चलते हैं और अपना आखिरी जंप करते हैं, और ये फैन से बचते बचाते हम जा रहे हैं सीधा फिनिशिंग लाइन पर। और गाइस सर, आप देख सकते हो हम फिनिशिंग लाइन पर आ गए, और मैं बनने वाला हूँ दुनिया का सबसे खतरनाक पुलिस ऑफिसर। तो गाइस सर, आखिरकार मैं दुनिया का सबसे खतरनाक पुलिस ऑफिसर बन ही गया, और अब मुझे मिलने वाली है दुनिया के सबसे खतरनाक पुलिस ऑफिसर की दुनिया के सबसे खतरनाक पुलिस व्हीकल। ये लो बच्चे, दुनिया की सबसे खतरनाक पुलिस व्हीकल। क्या ये एक पुलिस व्हीकल है? यार ये तो एक नॉर्मल सी मॉन्स्टर ट्रक है। बच्चे ये नॉर्मल मॉन्स्टर ट्रक नहीं है, इसको चला के देखो, पता चल जाएगा। वैसे बात तो सही है, इसके टायर बहुत ज्यादा बड़े, पर देखते हैं इसमें और क्या लगे। तो गाइस सर, फटाफट से इस गाड़ी को लेके चलते हैं, और ये अंकल बोल रहे पानी के ऊपर जाओ, लगता है अंकल पागल हो गए। ये क्या, ये गाड़ी तो सही में बहुत ही खतरनाक है, ये तो पानी के ऊपर चलती है। एक सेकंड, ये कौन सा बटन है? ओ, 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 ये क्या, ये गाड़ी तो उड़ भी रही है, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, इसलिए इसको दुनिया की सबसे खतरनाक पुलिस व्हीकल बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई चोर चोरी करके पानी से जा रहा होगा बोट में, तो हम इस गाड़ी को लेके जा सकते हैं। अगर कोई चोर हवा में जा रहा होगा प्लेन में चोरी करके, तो हम इस गाड़ी को उड़ा भी सकते हैं। और ये रोड पर तो ऑलरेडी चलती है,
तो ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक पुलिस व्हीकल है। तो गाइस फाइनली हमें दुनिया की सबसे खतरनाक पुलिस व्हीकल मिल चुकी है, इतने बड़े बड़े टायर वाली मॉन्स्टर ट्रक, और इसको लेके मैं बन चुका हूँ दुनिया का सबसे खतरनाक पुलिस ऑफिसर। तो गाइस आज की वीडियो में बताई, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं की वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो, और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके ज्वाइन फॉलो करना, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।